ये कन्नौज का मेला है। ये कन्नौज के कौन है? लाखन। ये लाखन? हाँ बेटा। ये तो बड़ी तगड़ी फौज पकड़ इनके पास। और क्या, 80 लाख फौज है। 80 लाख फौज है बेटा। लेकिन मामा जी, ना रास्ता दाहिने से, ना बाएं से, ना सामने है, कौन सा रास्ता हम लोग चले? अरे रास्ता अगर नहीं दे रहा है तो सीधे बीच फौज में चलो, बीच में हो। लाखन से समझा दो कि मोहब्बत का मिला रहा है, अपना धौसा बंस वाले मेरा मिला निकल जाए, उसके बाद में धौसा बचवाएगा। ठीक है बेटा, उधर अभी हम समझाते हैं। हाँ जाओ, जल्दी बता दो जाके। हाँ महाराज, तुमको मालूम होना चाहिए। हाँ। कि कन्नौज का मेला है। हाँ। और यहाँ पर लगाया धौसा। हाँ। लाखन के नाम से। लेकिन जाकर देखिए कि गेट पर आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ अभी। क्या हो है दरवाजे पीटर डार थे। हाँ महाराज, लाखन भैया बैठे हैं। हाँ हाँ ठीक महाराज। ऐसा है कि उरई से उरई पता है उनके लिए। क्या क्या महाराज? द्वारपाल। हाँ महाराज। क्या हमारी मामा जी आए हैं? हाँ। जान को बुला कर दरबार में बहुत जल्द से, वो भी आदर के साथ में। जैसे क्या महाराज, बुलाओ। अरे बेटा लाखन। जय गोपाल, जय गोपाल। मामा जी, और सुनाइए कि क्या समाचार आपके उड़ाई का चल रहा है इस समय। अरे बेटा लाखन, हमारे उड़ाईगढ़ का समाचार इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन बेटा, उदल जो मोहबे के है ना, वो फौज फक्कर सजा करके मेला को जा रहे हैं, और बहुत घमंड से आ रहा है वो। सामने कोई पड़ता है उसको इधर उधर करके चल देता है। ये तुम्हारी फौज जो है इसको गर्द बर्द करके और वो मेला करने के लिए जाएगा। मामा जी, आप जाकर के उन टुकड़ों को समझा दीजिए, अगर उनको मेले में जाना है तो रास्ता लगा है बाहर से, जा सकते हैं। ना अब उनको रास्ता मिलेगा, ना धौसा लाखन का बंद हो सकता है। अरे उदल ने कहा है कि जाओ उसका डंका बंद करवा दो और कह दो फौज के बीच से रास्ता दे दे, हम उसी तरफ से जाएंगे। मामा जी, आपको मालूम होना चाहिए कि 5 कुली के पृथ्वी मालिक नौकर राजा परिमाल और कुली 3600 का लाखन है, सूरज हुए अस्त तक राज। मामा जी, ये कहाँ हो पाएगा जो धौसा मेरा बंद करवा सकता है। अरे वो धौसा बंद कराने के लिए आ रहा है, अभी तुम्हारा धौसा बंद करवाएगा। मामा जी, आप जाइए उनको समझा दीजिए, अगर मेले मेरे के अंदर आ गए तो ऐसे बच के जिंदा मेरे हाथों से मेले के बाहर जाने भी नहीं पाएंगे। ये बात बेटा लाखन ठीक है, अगर जबरदस्ती करेगा ना तो उसका सर कतर देना यहीं पर। जी हाँ, मेला हो जाएगा उसका। और क्या, जा रहे अपनी तरफ से समझाएंगे, मानेगा मानेगा, नहीं मानेगा तो खुद पछताएगा। ठीक है, जाइए आप। द्वारपाल, ऐसा कीजिए। हाँ। लगाइए धौसा लाखन के नाम से। ठीक। लेकिन धौसा मेरा कभी बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, कभी नहीं बंद होगा। और मिल जाए तो शादी कर लूंगा, मिल जाए तो शादी। मामा जी, क्या हो लाखन से मुलाकात हुई? अरे बेटा उदल, मैंने बहुत समझाया उसको लेकिन वो माना नहीं, और नहीं रास्ता देगा, और बोले अगर बहुत घमंड अहंकार से आएगा तो उसको मार गिरा देंगे। ये कहा लाखन ने? हाँ। मामा जी, मेरी मजबूरी है, इसी औकात में देख लेता। भैया ने कहा था कि इसी से लड़ाई झगड़ा ना हो पाए, अब रास्ता काट के चलो। अरे बेटा, रास्ता काट के चलो, आगे फिर रास्ते में कोई मिल जाए तो वो भी रास्ता काट के चलो। मामा जी, तुम आपके साथ किधर किधर रास्ता काटते चलोगे? ये बात, ये लाखन की हस्ती की रास्ता रोक। हाँ, उसकी हस्ती रास्ता रोक ले, और एक हमने रास्ता काटेंगे, बड़ी बदनामी। हाँ, बहुत बड़ी बदनामी होगी। ठीक है चलो, बताओ कहाँ लाखन। लगाइए धौसा, और धौसा मेरा कभी बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, धौसा लगा रहा हूं। हाँ भैया, ये कन्नौज का मेला है,
और ये लाखन का धौसा है, लाखन का, लाखन का, लाखन। अरे बेटा लाखन, मामा जी, अरे उसकी मौत ही आ गई है, मैंने बहुत समझाया लेकिन उसने माना नहीं, वो तुम्हारे ही तरफ आ रहा है। मामा जी, क्या उदल यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ ठीक आ रहे हैं, तो आने दीजिए, आज वही होगा जो मेले में लिखा होगा। ये बात बेटा, अरे लातक मने बातक ना सुना, और क्या। हाँ उनको ठीक है, आने दीजिए, आने दो। हाँ ये लाखन का धोसा है, लाखन का, लाखन का, लाखन का। मामा जी, क्या कहा था लाखन, फिर दोबारा? अरे वो बोला कि कह दो रास्ता काट करके चले जाए। ठीक है, हटो तू पीछे, कहाँ है धोसा वाला? किसके नाम से धोसा लग रहा है? ये लाखन के नाम से। ए, मौत का धोसा उदल के नाम से लगा। ये उदल का धोसा है, उदल का, ये लाखन का धोसा है, लाखन का, ये उदल का धोसा है। आपस में दो जन निपट लियो, लेकिन धोसा बन जाने वाले तुम्हारी क्या औकात हो गई जो तुम मेरे मेले के अंदर चले आए हो? लेकिन धोसा बन जाने वाले, जरा सुनो हमारी बात को। ओ नाम क्या है और कहां से आना हुआ, और फौज अमरा लाने का क्या काम है, और भूप जय चंद लेखन क्या सुमन पीर का, और क्या सुना तूने अब तक नहीं ना है। अरे ये बताओ तुम कौन हो और कैसे अपन आ गए हो आज अपनी जान गंवाने के लिए? नाम तो सनातन की पर्चे आज हुआ, तो पर्चे कर लीजिए, लेकिन मैं कौन हूँ तुम नहीं जाना। बताओ कौन हूँ, कहाँ से आए हो? और आला भैया, आज जसराज का लाल हूँ, लोग लोग कर महोबा मेरा नाम है, और देवराज के चढ़ैया, आज मचैया संभल, और तुम्हें लाखन तो कुछ भी नाम हो, तुम्हारे नाम से मुझसे कोई मतलब मेले के अंदर नहीं है। अगर धौसा बजेगा मेले में तो केवल धौसा इस लखन का ही बजेगा। उदल और सिवा मेरे ना धौसा किसी का बजे है, और जान कहने पर मैं रघुदय चल दो, और चल के कुशल अपनी फौज की तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम इसी वक्त मेले के बाहर हो जाइए, तुम्हारी भलाई केवल इसी बात में है। अरे लाखन बड़ी बोल मत बोलो, अभी ऊंट पहाड़ की ऊंचा जाएगा, तुम एक किसान हो, मैं लड़ता किससे हूँ? किससे लड़ता हूँ तुम? और काल से मैं लड़ू ताल को ठोकर, और कर जहां चल पर बल दल निशंका मेरा, और किसकी हस्ती और किस माँ का बोलार है, जो आज के भंग करवा देगा ढंग का मेरा। लाखन की हस्ती तुम्हारा धोसा बंद होगा, लेकिन और हवा करे और दिल मेहरमान को जंग के, और फाक चला दिखा पीटे डाले से नहीं, और मुना दिख रहा हूँ अपना मैं संसार में सरदार को में है, तुम इस वक्त मेले के बाहर हो जाइए, वरना तुम्हारा पता यहाँ पर चलेगा नहीं। तुम करिया जम्मे से आगे नहीं गए, क्या जो करिया जम्मे को तुम? कौन करिया कौन जम्मे? जिसके पास हजार हाथी का बल था उनके साथ क्या किया? क्या किया? और चोर मारो क्या करिया जम्मे हना, और चढ़ा जिन कहों को उसको दिया धूर है, और तेरा छैया मचैया आज उदराज की, और देखो तलवार ये उदल करिया और चंबे के धोखे में मत रहिए,
तुम्हें नहीं मालूम है आज किससे बड़ा बड़ा तुम्हारा और राखन से पाला पड़ा है तेरा और खान गंदा नहीं अब तेरे जान की और गंगा तरते खुदल ये तेरे खून से खुदल आ तलवार की प्यास में तुम्हारे खूनों से बुझाऊंगा खोल कर तैयार हो जाओ कुमार लाखन के ऊपर वार कर वीर उदल में अपनी अभी तलवार कर क्यों चाचा अग्नि चंदेले की ताको सुदलाखन है फुफेरा भाई तेरा सुन बचन चिधार के अरे मामा फुफू के भाई होकर लड़के गले से मिलिए अरे तुम दोनों मामा फुफू के भाई हो गले से मिलो क्या हम लोग मामा फुफू के भाई जी हाँ गले से मिलिए भैया भैया हमको जानकारी नहीं थी कि हम भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं अरे भैया ना आपको मालूम था ना मुझे मालूम था ना तो ऐसी बात कभी सामने यहाँ पर भैया आज आती ही नहीं लेकिन भैया भैया और हुआ अनजान में जानकारी कुछ नहीं थी ये बात ये हुआ अनजान में अपराध है भारी भैया हुआ अनजान में बड़ी खुशी मुझे हो गई भैया और वीरता देख के स्तर तुम्हारी भैया और वीरता देख के स्तर तुम्हारी भैया और बड़ी तबियत हुई खुश आज हमारी करके बड़ी खुशी मुझे हो गई कि मेरी खानदान मोहब्बे में कोई ऐसा बहादुर पैदा हो गया है नहीं भैया इतनी तारीफ मेरी मत करो और करके तारीफ मेरी ज्यादा न मुझको शर्माओ और करके तारीफ मेरी ज्यादा न मुझको शर्माओ और अर्ज कर जोड़ के ये विनय कर जोड़ के कहता हूँ हजारी भैया उदल आज दिल में तमन्ना हमारे किस बात का है, और पलड़ कर तलवार तुम्हें यार मैं बनाता हूँ और पलड़ कर तलवार तुम्हें और यार मैं बनाता हूँ न करो दिल में कोई सोच बिचारी भैया कि कन्नौज में लाखन के पास 80 लाख फौज है आज अपने आंखों देखा बड़ा हर्क हो गए लेकिन मेला नहीं गए रास्ते में रुक गए भैया ऐसा है कि हमें 80 लाख फौज का देखभाल करना था भैया आप आ गए हो चलूंगा आपके साथ में अब मैं बिठूर घाट पर स्नान करने के लिए बेटा इंदल का मुंडन करा रहा है और नौचढ़ी नहाएंगे आप ही चलिए साथ हमारे लेकिन भैया पहले आप ये बताइए वो बुढ़ा कहाँ गया जो आगे यहाँ पर दोनों भाई को आपस में लड़ाया मेले में अरे बेटा लाखन क्या लड़ गए आपस में नसीहत देखो इनकी अरे बेटा ये तुम्हारे भाई है ये दिवला का लड़का है
और तुम नहीं जानते है तिलका बहन का लड़का है। हम तो मामा फूफू के भाई है। हाँ मामा फूफू के भाई है। बूढ़े तभी क्यों नहीं बताया था? तुम सारी कहानियां बता रहे हो, पहले मर गए थे, तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम ऐसे निकलिए, अब तो साथ नहीं जाना, आओ फिर देखता है। अरे चलो भैया, कैसे निकल गए? बहुत पक्का विश्राम है ये? हाँ भैया। अच्छा भैया, अब चलिए भाभी से मुलाकात करें। चलिए भैया। और छोटे छोटे नब्बू रसूलों है बोल बोल, छोटे छोटे नब्बू ये नात रिश्तेदार ठहर गए। हाँ। कोई बात नहीं है, यहाँ तो बच गए हैं। हाँ। लेकिन अब हम चलते हैं। हाँ। पृथ्वीराज के पास, वो तो नातेदारी नहीं निभाएगा, वो तो जरूर इनको मार डालेगा। हाँ, सब है नातेदार है तो ये नातेदार। अब हम चल रहे हैं पृथ्वीराज के यहाँ। हाँ। नब्बू रसुल्ला है गोल गोल, छोटे छोटे नब्बू, छोटे छोटे नब्बू रसुल्ला है गोल गोल, तोई के देखो राजा, तोई के देखो राजा, पर मन नहीं खाली है। सब तंबू कला लगा लो। हाँ पूरा तंबू कला लगवा दो महाराज, एक इंच जगह नहीं खाली रहेगा महाराज। आए आए आए, अरे एक बूढ़ी आलू गाई, और एक बूढ़ी आलू गाई मस्ताई पागड़ी में, बूढ़ी आलू गाई मस्ताई। हाँ महाराज, ये सामने वाला पतंगे तमुकनासिस का है, ये पृथ्वीराज चौहान का है। सद्य चौहान दिल्ली वाले का? हाँ महाराज। भाईसर का तंबू? ये इधर भी लगा है उन्हीं का तंबू। और ये सामने वाला? इधर भी लगा है महाराज उन्हीं का तंबू। हाँ महाराज। भाभी जी, मेला लेट हो जाने के कारण से मेले के तो कोई जगह नहीं। और सुन मेरी बात, और मौनोगढ़ के छत्री ये जुटे हैं। जगह खाली नहीं है जहाँ पर तम लगा दे, लेकिन थोड़ी रियासत है। और भाभी जी, अगले पाऊ जो आज का फरमान है तो कनौज जी क्या निकल, और छठो तम उतार में, और जगह खाली न मिले के दरिया पौनों पर
लग चुका, कहीं जगह है नहीं जहाँ पर तमुग्राह लगाया जाए। लेकिन देवर जी, और नाम से कांपते तेरे बांके जवान, छठ बलवान दो और यहीं पर मेरा तंबू तान आलीशान दो, तो मैं जानू कि तुमको हो मर्द जवान। मैं सब कुछ नहीं जानती, मेरा तंबू इसी जगह लगना चाहिए। शब्द चौहान का तंबू उखड़ा करके अपना तंबू लगाया? जी हाँ। शब्द चौहान का तंबू उखड़ना कोई आसान है? क्यों ना आसान, तुम्हें कहने में आसान है, करना हमें ना, तुम नहीं जानती हो कि इस गरीब चौहान के नौ लाख कलम तैयार है और मेरे साथ में भाभी जी कुल फौज 1000 है और मुफ्त में जाए लड़कर पे चारों। पास 9 लाख दलाई है, हम अचानक में तैयारी बनाया, थोड़ी थोड़ी फौज लेकर आया हूँ। अच्छा। फौज का झगड़ा, सारी फौज नाश, क्या फायदा मिलेगा? जानन भैया, क्या जाना? अरे वाह बड़ी बड़ी बकरी भभक दे नाम। यही कहना तुम्हें आता है ना? गुलाब सिंह खुशबू तो निकल बातें मत करो। काहे 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 करती हो? तुम्हारे आना झगड़ा होगा घर तो बहकत रहो की बानोगढ़ में हमारे कोई सामने नहीं के पास। आज क्या भैया ने क्या कहा था? भैया ने क्या कहा? लड़ाई झगड़ा न होने पाए। लड़ाई झगड़ा ना। देवर जी, क्या बात? और गाला मारो गलियरियन में कुठवा खेलो बिटी भनसार, फेल फुलेल डार जुल फिर मा गलियन नजर लड़ायो जाए, कब से देवर भव करवरी है ताकत फिरो पर आई नारी, मारो लूटो तू बनियन के ओ बंगाल मिहरिया झार, पायो ना देवर बहक गई तलवार, जाना तोर मर्दूनी देवर नरवर डारो ना छदाए, करम फाट गए हमरो देवर जो चाकर घर ब्याही आए, अब हम जाबे सिरसा गढ़ का देवर जोन वीर मलखान, मुझे नहला में सिर गंगा में कमर बांध खाली तलवार, कहा गई वो बल्क जी बल जीते बावन देश, मुझे तलवार और कलो जनाना भेद, और झाड़ दूंगी सबों के मैं अकले गुमा। दुल्ली बना घूमत क्या खर्चा पड़ गया? अरे अब साड़ी मिला मंगवाई, ब्लाउज मंगवाई और बाड़ी मंगवाई, तुम्हें सब लगाई तुम्हें पहराई और ये सब पहरवड़ के तंबू में बैठो और हमार पतोहिया और हम जाए थे अब तंबू खुलवाए आए थे। अरे तू बढ़ाऊ बहुत भाग कर रहा, हमारे भैनवे बड़े मर्द है। भैनवे का ये भाकत है घर में ही है, घर भगवा है, साड़ी और चूड़ी पहन के बैठो तंबू। अच्छा। हम पतोहिया जाए थे, क्या उखड़वा रहे सर पे? क्या चढ़ा रखा है घर में बहकते हो? भाभी जी हम लोग मनिया के लुटे हैं, अब बगल में से मेहरा थे बोला गया चना दर फदरी बातें करो भाभी जब
स्तंभ पर। मामा जी दाम तो सबसे चौहान कहाँ है? आओ बेटा बताओ कहाँ उनका तुम। और मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ। महाराज बस तंबू करा लगा दिया। हाँ बैठ इधर बैठ। ठीक द्वारपाल महाराज। अरे शब्द वेद चौहान कहाँ पर है? सामने महाराज बैठे हुए हैं आपके। ये बैठे हैं। कहाँ आए हो मेले में? अरे मेले में आए हैं। ये जो तंबू तुम्हारा लगा है ना, जी हाँ, ये सब उदल उखाड़ने पुखाड़ने आ रहे हैं। तुम्हारा तंबू उखाड़ने आ रहे हैं? हाँ। अरे मेले में देखिए कितने यात्री लोग आए हैं, वहाँ से और वहाँ तक। वो सामने बत्ती जले देख रहे हो? हाँ हाँ। सब हमारा तंबू लगा है, चारों तरफ तुम्हारा ही तंबू। हाँ, मेले में कहीं एक इंची जगह खाली नहीं है। अरे तो उदल कह रहे हैं कि यही तंबू हम भी लगाएंगे। अरे यहाँ तंबू कैसे लगाएंगे? नदी के उस पार में लगा ले, वहाँ जगह खाली पड़ी है। उस पार में? जी हाँ। अरे वो तो यही कहता लगाने के लिए। यहाँ कैसे लगेगा? कह रहा उसका तंबू हटवाएंगे, वहीं पर अपना तंबू लगा। तो एक बजकर जाने हैं, नहीं पाएंगे यहाँ से। मार डालोगे और क्या? तो अगर ऐसा है ना, अगर वो जबरदस्ती करते तो उनको मार मार के यहाँ पर और गंगा जी में डाल। एक बजकर जाने नहीं पाएंगे और बीच में तुम नहीं पड़ जाना। नहीं साफ हो जाओगे, बचोगे नहीं। हमको भी मार डालो और क्या? तुम भी साफ हो जाओगे। अरे ठीक है, हम नहीं आएंगे बीच में, लेकिन उससे होशियार रहना। तंबू लगा है, किसी के हुकुम से नहीं लगा हुआ है। है। और कैसे मेला नहीं आया? हमारे सामने तो किसी का मेला नहीं आया। सुन मेरी बात। और मोहब्बत वालों के लगते थे तंबू जहां, तूने तंबू हम एक दिया कार है। हुकुम दल का जल्दी आज वो खारो इसे और जंग का आज पाले हुए छोकरे न चलेगी तेरी बीता, बंद सुबह बंद कर कैद कर मान दे, वरना तेरा कहीं ना लगेगा पता। अरे निकल जाइए, नहीं तुम्हारे फौज वालों का तुम्हारा पता नहीं चलेगा। उखड़ने वाला तैयार हो जाओ। मैं महाराज का अपने नौकर वफादार। वफादार हो? हाँ। नहीं भागूंगा। अरे रेगा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन लड़ाई लड़ूंगा। पैजामा खुल गया उसका। आओ आओ। मेहरवा राजा भगा, मेहरवा राजा छोड़ के भग गया ना। हाँ। अरे बेटा उदल, अब यही तंबू में रहा जाएगा। ठीक है, आप दूसरा तंबू नहीं लगे। क्या बताऊं, इतने यात्री सर धज के जा रहे हैं, मुझे बांदी को बुलाकर पूछना चाहिए। अरे बांदी, बहन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछ रखे हैं बहनी, बताओ। सुनिए मेरी बात। अरे बांदी और होशियार रे, जरा मुझको बता दे। अरे बांदी होशियार रे, जरा मुझको बता दे। मुझको बता।
इतने यात्री असद धज के कहाँ को जा रहे हैं? हाँ ये बात है। और ये प्यारी सुकुमार रे अभिनंदन दुलारी मेला वाले जात हैं स्नान करने के लिए, उनके महिमा बहुत बड़ा है। जे अपने मन में कुछ ठान के जाई स्नान करे तो के गंगा जी जरूर पूर के देती। हाँ बहनी, बहन तुमको तो मालूम है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है। हाँ बहनी, तो हम जानते हैं ब्याह नहीं बता, और ना मेरी माता जी को ध्यान करती है, और भैया जी तो वहां के चेहरे में रहते हैं। हाँ बहनी, अब पप्पा तो रहे, और बहन वो नहीं ख्याल मुझे, वो भी नहीं ख्याल कुछ करते हैं। बहनी भी आतवार हो जाए चाहिए, अब तक मेरी शादी हो जाना चाहिए था ना। हाँ तो हमका लागत है कुछ हम एक जुगाड़ लगाओ एक परी का बहनी को जो ठान ठाने हो अपने मन में। हाँ बहनी, तब तो ठीक है बहनी। सुनिए मैं अपने दिल में क्या ठान ठाने का ठान लियो बहनी, और मैं चल संग तुम्हारे हमरे। जी हाँ, और नहाऊंगी गंगा मैं चल संग तुम्हारे। मैं चल संग तुम्हारे और नहाऊंगी गंगा, मैं सच्चे हृदय से मनाऊंगी गंगा, मैं सच्चे हृदय से। कहूं वहां पूजा करूंगी, भी लेकर कहूं वहां पूजा करूंगी, कमल मान बर प्यारी पाऊंगी बहना, कमल मान बर। अब मैं जरूर चलूंगी स्नान करने के लिए, और वहीं से कोई अच्छा राजकुमार लाऊंगी अपने लिए। और बहनी ब्याह चक्कर में तू परेशान है, अगर बहनी नहाए चले तो हम कही तौन मेर करो बताओ।
और जो चाहो श्री गंगा अब नहाना दुलारी। चाहो अब नहाना दुलारी तो लो आज्ञा चल करके उसे माता से प्यारी। मन मेरा चंचल अब कहे गंगा तट पर हो, ये मन मेरा चंचल और कहे गंगा तट पर मनोकामना पूरी होगी तुम्हारी। मनोकामना तो हम जो उनमेर कहे तो उनमेर करो, चलो अपनी अम्मा से आज्ञा ले लियो, जो घर वाले से ठीक है चलो। अब चलो माँ जी से आज्ञा ले ले, ले लेती हूँ, उसके बाद मैं चलूंगी स्नान करने। हाँ ये मेरे बहनी और तेरे मेरे बीच में हमारे तेरे बीच और तेरे मेरे बीच में और कैसा है बंधन अनजाना, कैसा है बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना कुछ नहीं जाना भाई, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे सफल जीवन बनाने के लिए मां जाऊंगी गंगा नहाने के लिए। चाहती हूँ आपकी क्या इजाजत है? ए बांदी जा चली दरबार को ला बुला सुत हंसा मन सरदार भैया का। हाँ मेलो पठे बिहार जाके बुला के लेके आओ। मतलब खुसरो और बंद दरबार तुरंत करके मैया मैया दरबार तुरंत और करके मैया मैया और कहो कि सुवास दे मुझको बुलाया मैया।
खास करके आज आपने मुझे अपने पास महल में याद किया है। बेटा और श्री गंगा स्नान करन को जिद कर रही भारी छैया, और ये चित्रेखा बहन जो है तुम्हारी छैया। और हर प्रकार से और मैंने समझाया इसको, पर नहीं मानती है कि हमारी छैया। लेकिन बेटा मुझे बात की बहुत बड़ी अफसोस है, और देख पाएंगे इसे जो कहीं मोहबे वाले, देख पाएंगे इसे जो कहीं मोहबे वाले, तो बला बुखारे पे चमकाए तुम्हारी छैया। ऐसा है बेटा, मैंने इसको बहुत समझाया, ये मेरा कहना नहीं मानती, और जरा तुम इसे अच्छी तरह से समझा दो। ठीक है माँ, जाओ तुम महल में। चित्रेखा, क्या बात है भैया? क्या जाओगे तुम बिठूर घाट पर स्नान करने के लिए? जी हाँ भैया। चित्रेखा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये मेरी प्यारी बहन अपने चुमे को थाम ले, और दान हो ना दान न बल कुछ अगल से भी काम ले, बानुगढ़ के निर्बत आगे बिठूर घाट पर, इसलिए बहना वहां जाने का तू मत नाम ले। भैया जाट में पर भी पड़ी दशहरे की आन है, भैया मुझे चल कर करा दीजिए मुझे स्नान है, आशा मां का हाथ में आवे न भैया बार बार, हो सफल जीवन बिरन हर तरह कल्याण हो, मैं जाऊंगी जरूर भैया। चित्रेखा, तुम जाओगी अवश्य मानोगी नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम है कि बिठूर घाट पर कौन कौन से वीर कहां से आते हैं वहां पर? चित्रेखा अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो सुनो हमारी बात को, और ये नौलाख ये तले के पृथ्वी वहां, और ये नौलाख तले और क्या सुनी तूने उनकी है शोहरत नहीं, और फौज लेकर ऐसी लाख लाख अंचल है, और जंग करने की मुझ में ताकत नहीं। और देख ले गए अगर वो मोहब गया तुम्हें, तो बच्चे पर किसी तोरी इज्जत नहीं, और तुमको नहीं लाए गंगा मैं लाऊ बहन, वहां जाने की पड़ती है हिम्मत नहीं। चित्रेखा 80 लाख तो लगे कन्नौज से लखनऊ हुए हैं, अगर मोहबियाए होंगे तो बड़ा गजब हो जाएगा, इसलिए वहां पर तुमको साथ लेकर मैं बिठूर घाट पर नहीं जाऊंगा। भैया इसका मतलब कि आप जंग करने से डर रहे हैं, छत्री होकर के और कायरों वाली बातें कर रहे हैं भैया। चित्रेखा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या भैया, तो बातें कर रही हो? छत्री होकर डरो और जंग से इस कदर छत्री होकर डरो। जंग से इस कदर उनमें कार किली ले अभिनंदार है, लेते बलिये के घर में और बिना जन्म तुम छत्र कुल में बिठा लीना अवतार है।
की तलवार है, मुझको नहीं ला सके राम श्री गंग तुम वीर तो पर तेरा वीर धिक्कार है। चित्रेखा और ज्यादा ताने नकस बचवा बंद करे और बोले कि गोली सी न हुई पार है और तुमको नहीं लाए गंगा मनाओ बहन हो जाके डोला अपना तू तैयार कर। चित्रेखा मुझको नहीं मालूम था तुम ऐसी बोली मारोगी, अगर ऐसी बात है तो इस वक्त डर कीजिए नहाने के लिए हमारे साथ में। ठीक है भैया चलिए हम लोग आ रहे हैं। बांदी चलोगे नहाने के लिए? चल तैयारी कर इसी वक्त हमारे साथ में बिठूर घाट पर स्नान करने के लिए। बहनी बहनी क्या हाल है? माता जी ने तो आज्ञा नहीं दिया था लेकिन भैया तो अब तो साथ है चला था, अब काहे डर है? अब तो कोनो चीज एक डर नहीं रही। जात से जात और जलाते चलो, जात से जात जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। तो हम सब पहुंच गए के करीब आ गए, मेला हरू सब बैठे, देखिए कितने यात्री लोग सब बैठे हैं। हाँ लेकिन बहन मेले के अंदर चलना ऐसे ठीक नहीं है। काहे बहनी? सुनिए मेरी बात, और मेरा बेस नटनी का प्यारी बना दे, मेरा बेस नटनी अपन भेष बदल ले हमरो भेष बदल दे। हाँ। तो बाद में चला जाएगा डेरा डेरों में देखा जाएगा मांगा खा। अरे बहनी नटनी बन के चले खे। जी हाँ यही मेरे चलिए तो सब देखिए डेरा में पहुँच जाइए पूछी कहा कर आयो कहाँ रहते और मांगत खात चला जाये था क्यों ना पूछी क्यों सके ना करी सब जानी मांगत खाती हमें तुम्हें मांगे खा थोड़ा अपन काम बनाव जहाँ कहूँ अच्छा राजकुमार मिली वहाँ पट से काम करके निकल लिया कर। नीक सोची बहनी। हाँ चलो चुका। हाँ बेटा अभी हमारे बेटे इंदल का मुंडन नहीं हुआ है तो भाभी जी मुंडन कराओ बेटा। सब खड़ी आई है तेरी न लगाओ भाभी।
पहले हम लोग वापस सारा मेला जा चुका है यहाँ से। लेकिन देवर जी क्या बात, देखिए यहाँ कोई नाई है नहीं है? नाई? अरे इस घर का कोई नाई भाई है ना? जल्दी आओ। हाँ हमारे बच्चे का मुंडन कर सकते हो? मुंडन तो ऐसा नहीं कर पाए, कहा से जात्रा शुद्ध करावे। वे शुद्ध में क्या पाओगे? शुद्ध में कहा पाए सीधा पाए आखत पाए है सब मिली आंखें पाइयो आखत 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 क्या चीज है? अरे पिसान दाल चावल ये मतलब नेलू चावल। हाँ यहाँ सब। और यहाँ क्या पाओगे? यहाँ का मिले। अरे मोहब्बे का मेला है। हाँ हीरा मोती जवाहरात। तो हम ना जब शुद्ध कराओ पहले मुंडन करा। हाँ तो लाइए। ठीक भैया आओ बैठो। ये बताओ खड़े हो। हाँ। कुछ गाना बजाना आता है? हाँ का है ना आवाज। आप कौन असली नाव को निकले? हम असली नाव हो जान लो। असली नाव? हाँ। तुम्हारे में कितनी बुद्धि होती है? हमारे में हाँ अब 36 हुआ तो है। 36? हाँ कैतिया 36 कैतिया 36 बारह दिया है 36। नहीं नहीं ऐसे नहीं। हाँ तीन गिनती इकट्ठा पर जाए। तीन गिनती इकट्ठा पर जाए किसे? 6, 7, 8 हाँ या 9, 10, 11 ये तो दादा बताई हैं। कौन दादा? हमार बप्पा। ये थोड़ा हमें नहीं बताई ना। 12 ते ही नहीं। हाँ तीन गिनती इकट्ठा पर 36 पूरा हो जाए। तीन घंटे इकट्ठा पर 36 पूरा हो जाए। हाँ ये तो हम ना बता पाए। 12 ते ही नहीं। हाँ 3, 4, 5, 7, 8, 9 इस तरीका से पढ़े। 17, 18, 19 इस तरीका से पढ़े। 11, 12 और 13 और 13 पकड़ देंगे। कितना हुआ? वही गा 36 का 11, 12, 13 हाँ हाँ ठीक है। अब तुम असली नाव बना।